एक सवाल पूछिए भी ओके okay, सर और शॉर्ट अगर सर। तीन सर।, सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों को हो रही है एंड हाँ। हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रोडिक्शन है आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है दोनों में टकरा रहे कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है पहले बार या दूसरे बार हां क्या नहीं? सिंपल मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है पीडो फाइल है पीडो फाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले दस बार सोचो अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन आपको माफी मांगना चाहिए क्या आपका सवाल गलत है आ, सर मेरा ये यही सवाल है कि वहां पर यही जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म ओके सर मेरे सवाल की गलत है नौत गलत, गलत है आप गलत है ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों के साथ जिना करो बहुत तो से बार ये मीडिया में काम है इल्जाम लगाओ सवाल पूछो कुछ भी दो कुरान मजिद में लिखा है सुरह हजरात में कुरान नंबर उन पचास फोर्टी नाइन आयत नंबर छह जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं हजारों का मजमा है बीस हजार पच्चीस हजार और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माश्रा है फिर आप इस्लाम पे चौमत लगा रहे मेरी बहन और आप माफी भी नहीं मांग रहे आप इस्लाम पे लगा रहे मेरी बहन और आप माफी भी नहीं मांग रहे आप इस्लाम पे लगा रहे मेरी बहन और आप माफी भी नहीं मांग रहे ये होता है गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये ना समझिएगा ये मैं को बदगुमानी कर रहा हूं ये रियलिटी है अगर आप समझते नहीं बदगुमानी है तो उसे कहो कि ये फिर जवाब दे इन बातों के जो हम चीजें हाईलाइट कर रहे हैं पहले उस सिस्टर का सवाल क्या मत तक उधार है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर वो जवाब देना है उस बात का डिनाइल मोड़ में नहीं जाना जवाब देना है मैं भी जवाब देता हूं अब सुने आप मेरा जवाब पहले तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हफिजाउल्ला को उनके बुजुर्गों की खबर दूंगा आठ से सात सौ साल पहले हाफिज इबन कसीर रही ने तारीख इबन कसीर लिखी सेवन सेवनटी फोर हिजरी में फौत हुए आज चल रहे चौदह सौ छियालीस हिजरी ये वो खुद लिख रहे हैं किसी सनत की जरूरत नहीं है आठ से सात सौ साल पहले अपने जमाने के बारे में और हाफिज इबन कसीर वो हैं जो इबन तैमिया के हैं वहाबियों के इमाम है। हैं यानी देवबंद और एहलिश उनको अपना बुजुर्ग मानते हैं ब्रेलवी भी उनका एहतराम करते हैं उन्होंने तारीख कसीर में लिखा कि हमारे जमाने में भी यह हाल है कि कोई बादशाह कोई अमीर शख्स कोई ताजिर कोई फकीह यानी मुफ्ती से भी ऊपर का दर्जा लमाय हक यानी के कोई काजी ऐसा नहीं है जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादा बदफेली के भी गुना में मुल्वस ना हो सवाए उनके के जिन्हें अल्लाह बचा ले और फिर उन लिखा कि मैं तलकीन करता हूं मुसलमान अवाम को बचपन में भी अपने बच्चों की हिफाजत करें इन मौलवियों के शर से और जब ये बच्चे बाले हो जाए तब भी बचा के रखें इनको हकीकत बात है वो इतनी बड़ी दाढ़ी थी यार उसकी बच्चे की जिसको मुफ्ती अब्दुल अजीज ने जबरदस्ती की है उसको निजामी में पास होने की लालच लगाई हुई थी तो अंदाजा करें हाफिज इब कसीर उस वक्त ये बात कर रहे थे सात सौ साल पहले ये सारा काम उसी तरीके से जारी था इसलिए उनको ये बात कहनी पड़ी फिर मियां वाला जो वाक्य है अक्षवरी थानवी साहब बेचारे सोलह सत्रह साल के थे जब ये वाक हुआ पता नहीं उनकी मजलूम आंखों के सामने ही हुआ ये देवबंद के मदरसे में या किसी और मदरसे में कोई सलाना जलसा था और नकल कौन कर रहा है हकीमल उम्मत अशरी थानवी साहब और किताब का नाम है अरवाह सलासा हकयात ओलिया, अल्लाह के ओलिया की हकयतें आपस में फोहिश मजाक भी कर लिया करते थे हम मुफ्ती साहब ने क्या नहीं है यार एक यारो यार फौज मजाक भी कर ला दे रहे नारे सुनो, सर बुलंद देवबंद दिमाग बंद दो कासम नोतवी ने मदरसा देवबंद बन बनाया और रशीद अहमद गंगोई साहब ने वो चूंकि छोटी उम्र में ही फोत हो गए संतालीस साल की उम्र में बाद में उन्होंने इस मदरसे का सिलसिला चलाया तो एक जस्से के मौका के ऊपर कासम नौतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई साहब ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों की मौजूदगी में उनकी रूहानी तरबियत के लिए चरपाई पे लटाया और अल्फाज हैं आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा और करवट उनकी तरफ की जैसे कोई आशिक के सादिक करता ये जरा अल्फाजरा आपने गौर कर रहे हैं आशिक के सादिक और ये आशे के सादिक का वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं क्योंकि कासम नौतवी ने कहा मिया क्या कर रहे हो लोग क्या कहेंगे उनका लोगों को कहने दो दो बंद दिमाग बंद सोलह सत्रह साल के बच्चों के सामने दो कहते हैं जी बाबे थे बाबा की तू सीओ संतालीस साल की उम्र कासम नौतवी फौत तो हो गया मेरी इस वक्त कासम नोतवी जितनी उम्र है मेरी सैतालीस साल हुई है चार अक्टूबर दो हजार चौबीस को मेरी जितनी उम्र थी जब वो फोत हो गया और वाक्य हो सकता है उसका बीस या पच्चीस साल की उम्र में हुआ हो तो मुफ्ती अजीज भी जो है वो सफेद दाढ़ी वाला था सामने वाला बीस पच्चीस साल का था कोलू काड़िया करो यहां पर यह बात रुकी नहीं है यह टर्मिनेटर टू आगे आई है फिर आ, मिया टू चल रहा होता है ना मिया टू ये <सगया> मिया टू है मिया टू यह तस्कर तो रशीद में रशीद अहमद गंगोई के बारे में उनके खलफा नकल करते हैं कि रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आए हैं करो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा उन्होंने कहा दुल्हन हमें एक दूसरे से नफा भी पहुंचा जो एक मर्द को औरत से वही जो आप समझ रहे हैं। और कहते हैं कि फिर ओलाद हुई और इसकी इस रहमानी ख्वाब की, की इनवर्टेड कामज में कि जी कासम ननोतवी साहब के मरने के बाद रशीद अहमद गंगोई ने उनके स्टूडेंट्स की कफालत करनी थी बात वैसे ऐसे हुई वो छोटी उम्र में फौज हो गए बाद में रशीद अहमद गंगोई साहब भी उसको चलाते रहे सारे सिलसिले को तो ये ख्वाब देख लिया था तो भाई इसे नकल करने की क्या जरूरत थी फिर उसकी शराब बयान करने की इससे आप बच्चों को क्या दर्श दे रहे हैं मुझे बताए जब दो उस्ताद एक मदरसे के एक दूसरे को लटा के आशे के सादे की तरह लेटे और पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कल को आपका उस्ताद बुला के आपको जायज तरीके से अल मोहन्नत के मुताबिक सीनों का फैस देने की कोशिश करे तो आपने लेट जाना है उस्ताद के कहने पर और वही मुफ्ती अब्दुल अजीज ने भी बुलाया था फैस देने के लिए उसने दे दिया अच्छा इसके ऊपर हैं। हैं इंजीनियर का दिमाग है।, है, है, है? है और ये कौन सी तरबीत हो रही है और दूसरी बात पब्लिक में वो इतना ही कर सकते थे ना आगे मैंने भी कोई रिपोर्ट नहीं किया उन्होंने खुद रिपोर्ट किया ख्वाब वाला दरमियान का मिसिंग लिंक जो है वो आप खुद जोड़ ले स्टोरी पूरी बनती है चले आप जो दरम्यान वाली है उसको निकाल भी दें शुरू और आखिर वाली कोई ये गवारा करेगा ऐसे मदरसे में आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं जहां के बुजुर्गान दिन ये हरकतें कर रहे हैं अब मुझे बताएं जिनके बुजुर्गान दीन ये हरकतें कर रहे हैं उनके सामने बैठ के आपने फिर सिस्टर को यही कहना ना कि सिस्टर आपका सवाल ही गलत है ये कैसे हो सकता है कि इस्लामिक माशरा हो और वहां ये हो जी ऐसे हो सकता है कि देबंग भी इस्लामिक है और वहां ये सारा कुछ होता है और आज तक लेगेसी ट्रांसफर है हाफिजिबिन कसीर को तो किसी ने नहीं कहा कि हजरत यह कैसे हो सकता है कि फकीर हो और यह काम करता हो जी हाफिज इब कसीर ने लिखा है और हाफिज इब कसीर इंजीनियर साहब की वीडियो के मुतासर नहीं हुए थे वो सात सौ साल पहले है और फिर छोड़ दें यार मुझे तो हाजी अब्दुल वाब साहब ने रायविंड में उन जमातों के ऊपर मंदी लगा दी थी ऐसे बच्चों को जो लेके जाती हैं, जो टीन एजर्स हैं जब तक के उनके बड़े भाई या में ना वो कहते थे बच्चों को जमात में नहीं लेके जाना इतने हो रहे थे तो दिमाग में सब कुछ हो रहा है हमारी लाइफ स्टोरी में आके लोगों ने स्टोरी सुनाई है मास्क पहन के हम भी गए थे चिल्ले में हमारे साथ ये हुआ फिर तंग आके उन्होंने आजीब अब्दुल बाब साहब ने मैं जो हजरात तबलीगी जमात का काम चला रहे हैं। मैं उन्हें बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा बड़े मुखलिस लोग हैं लेकिन काली भेड़े मौजूद हैं जब तक आप ये नहीं मानेंगे ना कि काली भेड़े मौजूद हैं उस वक्त तक आप इस्लाम ही अपनी कर सकते सलाम है फिर जनाब गोरे को उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बना दी है वैटिकन सिटी आप समझ रहे उनका इमाम कब है क्रिश्चियंस का उनके जितने पॉप हैं उनके सारे जो करतूत हैं वहां की औरतों के साथ और बच्चों के साथ उन्होंने पूरी वीडियो फिल्म्स बना दी है उनके ऊपर उनके तो कोई क्रिश्चियनिटी के तशखुस को नुकसान नहीं हुआ यहां मौलवियों के करतूत खोले कहते हैं इस्लामी तशखुस तो को नुकसान हो रहा है तो तशखुस को तो तुम्हारे मौलवी नुकसान पहुंचा रहे हैं जो मुंह काला कर रहे हैं जुर्म वो कर रहे हैं हम जिक्र करके नुकसान पहुंचा रहे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मजलूम है और जो हाईलाइट कर रहे हैं वो जालिम है तमाशा लगाया हुए उन्होंने और ये जो बदफेली वाला अमल है कुरान हकीम में बदकारी की इतनी मजम्मत नहीं आई जितनी कौम लूत वाले अमल की मजम्मत आई है कम अज कम आठ जगह के ऊपर कुरान में इसे एड्रेस किया गया है जो कौम लूत का वाक्य है उनमें भी जो सूर हूद है सूरतुल हिजर है उसमें तफसील के साथ अल्लाह तला ने उस कौम पर जो अजाब भेजा उसका जिक्र किया और अजाब यह है कि बस्ती को उठाया गया उससे पहले बस्ती के जो लोग थे हर एक बंदे को उसके हिस्से का पत्थर लगा और फिर पूरी बस्ती को उलट दिया गया और यही सजा है ऐसा अमल करने वालों के लिए अल मुसन्नफ इब्ने बिशाबा में मौजूद है इबन अब्बास कहते हैं कि बदफेली करने वाले शख्स को उस इलाके की सबसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिराया जाए अगर मर जाए तो ठीक है ना मरे जिंदा बच जाए तो फिर पत्थर मार के उसे हलाक कर दिया जाए क्योंकि अल्लाह तला ने भी यही सजा दी थी अंदाजा करें कितनी सख्त सजा है जामिया में हदीस मौजूद है नबील इस्लाम ने फरमाया फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो और ये दोनों मलरून है बशरते के बिर रजा कर रहे हैं अगर जबरदस्ती किसी के साथ हुआ है ना तो सिर्फ फिर करने वाले को कतल किया जाएगा जो मजलूम है उसके ऊपर कोई हाथ नहीं जारी होगी क्या अल्फाज हैं कि फाइल और मफूल दोनों को कत्ल करो और ये दोनों मलरून है अल्लाह की लानत इन पे और लानत इस लेवल की है कि जाम तिन हदीस मौजूद है कि क्यामत के दिन जो लोग कौम लूत का अमल करते हैं खा वो किसी मर्द के साथ करें या औरत के साथ करें वहां भी हराम है ये वाला अमल अल्लाह तला निगाहे रहमत नहीं फरमाएगा उनकी तरफ क्यामत के दिन और तीसरी हदीस जो इनए क्राइम के लिए और बुजुर्गान बेदीद के लिए स्पेसिफिकली जाम तिरमेजी में हदीस है कि मुझे अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा जिस गुना का खदशा है वो ये मर्द की मर्द के साथ बदफेली है हाँ इसकी प्रोफेसी मौजूद है जामिया तिरमेजी के अंदर लिहाजा उस सिस्टर को हम एंड पे सल्यूट करते हैं उनकी दलेरी के ऊपर बिल्कुल सही सवाल किया और दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल किया ये दो सवाल दुनिया के मुश्किल तरीन सवाल है नंबर वन मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है और नंबर टू मुसलमान जिन्होंने मजहबी लबादा ओढ़ा हुआ है ये सबसे ज्यादा गैर मजहबी क्यों है अपनी निजी जिंदगी के अंदर दूसरा सवाल उस सिस्टर ने किया कमाल का सवाल था उस सवाल में कोई गलती नहीं थी और आपसे मुआफी मंगवाई गई जो नहीं बनती थी मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से अपनी उस सिस्टर से माफी मांगता हूं कि आपसे जो माफी मंगवाएगी वो गलत थी हम शर्मिंदा है कि हमारा एक स्पीकर आपके सवाल का जवाब नहीं दे सका सिर्फ इस वजह से कि वहां सारे मौलवी बैठे हुए थे अगर आप समझते हैं ये वजह नहीं तो आप जवाब दे ले चलो लेफेक्शन फिगर कि यह देखें बड़ा शफाफ किस्म का किरदार है हमारे ये, इन लोगों का ये थोरेटिकल बातें हैं कि जी वो ओरिजिनल तो इस्लामिक मुआशरा वो होगा जहां पे ये काम ना होते हो वो दसो ना कितने जे केड़े मदरसे जे केड़ी गली जे बताते भी कोई नहीं थ्रेटिकल बात करके साइड पे हो जाते यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर वो किधर है सही वाले दस दो कितने जाली तो सही थोड़े दसते जो हूँ सही भी दसो सही है कोई नहीं, नहीं बताए सही जाल निकल आए नाम लोग तो फिर भी, भी डरते हैं ये लोग नहीं डरते इसीलिए अल्लाह तला ने कुरान में फरमाया आमनु फरमायादी आ मनु लीमा तक फानून ईमान वो क्यों कहते हो जो करते नहीं ये उस सिस्टर के लिए जवाब मैं दे रहा हूं ये सारे जवाब मैं उसके लिए दे रहा हूं जो उसको उस वक्त देने चाहिए थे कि सिस्टर ये मुनाफकत है इस मजहबी तबके की के इन्होंने अपनी दाड़ियों और पगड़ियों के पीछे अपना किरदार छुपाया हुआ है इस्लाम के लबादे में ये यह भेड़िए हम भी आपके साथ आएंगे भेड़िए और अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया कि वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो क्या बुरा मक्त नंद अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह की नाराजगी का बायस है अंतुलू माला तफाल उनके तुम वो कहो जो खुद नहीं करते हो कैसे लोगों को भाषण दे रहे होते हैं नेकी के बातें पर देगी करना और खुद आके बच्चों के साथ मुंह काले करना यह इन लोगों का किरदार है इसीलिए सही मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता दिलों और अमाल को देखता है और मौलवियों ने और मजहबी तबके ने शक्लों के अंदर पूरा दीन दाखिल किया हुआ यह कितनी नुरानी शक्ल है जी तको ना जी जाहिर है ना को मजदूरी करनी चंदे पलना एसी वाले कमरे से निकल के एसी वाली मस्जिद में और वहां से निकल के एसी वाली गाड़ी में नूर तो चढ़ना चमड़ी उतर कितना नूर है जी अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता और अल्लाह ने क्यों देखना है शक्ल तो उसने खुद बनाई है शकल से क्या फैसला होगा माल तो वो देता है इससे क्या फैसला होगा दिलों और अमाल को देखता है कि किसकी नीयत दुरुस्त है और अमाल भी दुरुस्त हो ये नहीं कि शकल जो है मोमना और करतूत काफना शकल दाढ़ियां पगड़ियां तस्बिया और करतूत जो है ना बदकियां रिज हराम सही बुखारी में अदीस है कि एक शख्स अल्लाह की बरगाह में आता है प्रांगदा हाल बाल बिखरे हुए हैं जिस तरह कोई मुसाफिर आता है यानी सफर के आसार हैं उस पर और वो हाथ लंबे करके दुआ करता है या रब या रब ए मेरे रब यानी ऐसी हालत है कि लोगों को भी उस पर तरस आ जाए लेकिन वो इस हाल में अल्लाह के हजूर दुआ कर रहा होता है कि उसका रिस्क हराम का है उसका लिबास हराम का है जो उसने पहना हुआ है अल्लाह ऐसे की दुआ क्यों कर कबूल करे अब अंदाजा करें आप कि रिजके हराम इतनी सेंसिटिव चीज है कि एक शख्स का हाल ऐसा है कि लोग उस पर तर्स खाएं उसके बावजूद अल्लाह ताला उस पर तर्स नहीं फरमाता चाहे उसने जिस तरह का मर्जी लिबास और गेटअप अडॉप्ट किया हुआ है दाढ़ी है पगड़ी है तस्बी है रो रो के वो एक्टिंग करके दुआएं कर रहे लेकिन रिस्क उसका हराम है तो अब मुझे बताएं ये जो इस तरीके से दीन के नाम के ऊपर चंदे हथियार के डिक्लेयर तनहाए अपनी पच्चीस हजार और खर्चा रोज का पच्चीस हजार कर रहे हैं चंदों में से खा के ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे और कूकुल बात के मामले में तो आप छोड़ दें यह सारा कुछ इन्होंने जो गटअप अडोप्ट किया होता है ना मजबी वो समझते हैं कि हम अल्लाह के हक पूरे कर रहे हैं हुकूकुल बात तो वैसे ही माफ हो जाने हालांकि मामला इसके उलट है सही मुस्लिम हदीस मौजूद है जानते हो मुफलिस कौन है साहब इक राम सेन इस्लाम ने पूछा साहब ने कहा हम तो उसी को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दुनिया का मालो मताना हो आपने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क्यामत के दिन पहाड़ों के बराबर नमाज रोजा हज जकत नेकियां लेकर आया लेकिन इस हाल में कि दुनिया में किसी को मारा किसी को पीटा किसी का खून बहाया किसी को ज़ेनी अजियत दी वो सब के सब लोग क्यामत के दिन अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे और कहेंगे या आज हमने बदला लेना है इस दाढ़ी पगड़ी वाले से इस मुफ्ती से इन बुजुर्गान दीन से और वो एक एक करके उसकी नेकियां लेते जाएंगे कोई क्यामत के दिन तो बदला फिर नैकियों की शक्ल में अभी भी कुछ लोग बाकी होंगे कि जिन्होंने बदला लेना होगा लेकिन उस बंदे की नेकियां खत्म हो जाएंगी अल्लाह फरमाएगा कि इसकी नेकियां तो होगी खत्म अब तुम्हारे गुना मैं इसके खाते में डालूंगा गुना किए उन लोगों ने हुए हैं जो इन बुजुर्गान दीन के पीछे चल रहे थे और वो खाते में बुजुर्गान ने दीन के डाल गए लिहाजा वो आधी बात दुरुस्त हुई जो ये कहते हैं ना क्या के दिन हम आपके गुनाओं का बोझ उठाएंगे जी तुम्हें चुकोगे जरन में भी जाओगे जाओ लो आ, मैंने से साबित कर दिया कि गुनाओं का बोझ उठाएंगे और फिर जरम में जाएंगे तो बात का मामला बहुत सेंसिटिव है खाली दाढ़ी पगड़ी रख लेने से हिफे कुरान कर लेने से दीनी बातें कर लेने से मस्जिद में एक खतीब की हैसियत से बैठ जाने से कोई आखरत नहीं बनने वाली अगर आपने अपने करतूत दुरुस्त ना किए मेरा ख्याल है इतनी गुफ्तु काफी है अल्लाह ताला हमें ट्रू स्पिरिट में इस्लाम पे चलने की तौफीक दे